तो ये पूजा बहुत ही जरूरी है। हाँ सही है, उसका थोबड़ा सही। ये देख सकते हो यार, ये कितना साल पुराना है नाना जी? ये 20 साल हो गया है इसको यार। चलो इसकी आवाज सुनते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत। तो गाइस मैं हूँ आदित्य के घर पे और पीछे चल रही है पूजा। काफी लोगों को पता होगा ये चीज की, मतलब जब बच्चा बर्थ होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका जो टाइमिंग है, डेट है, वो सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है सब चीजें की। पंडित से हमने बात की थी कि ये टाइम पे बेबी हुआ है, ये डेट था समथिंग समथिंग, तो पंडित ने कहा कि इसके लिए आपको पूजा करना पड़ेगा। तो वही पूजा बैकग्राउंड में चल रही है। पंडित जी ने बोला कि कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो जो बच्चे के पिताजी है, मतलब जो मेरा भाई है, अब जिंदगी में वो आगे बढ़ेगा पर उसमें बहुत सारी रुकावट आएगी। तो ये पूजा बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो मैं आगे शेयर करता हूँ पूजा कैसे हो रही है, और मौका मिलेगा तो पंडित जी से भी मैं बात कराऊंगा आप लोगों की। पंडित जी से भी सुनना चाहूँगा कि ये पूजा क्यों रखी जाती है। ठीक है, ये चल रही है पूजा। ये बैठा है मेरा आदि, आज नींद भी नहीं आ रही उसको, आराम से बैठा, टीका तिलक लगाया हुआ है। और हमारे पंडित जी खासम खास है, मतलब हर एक पूजा में हम इन्हीं को बुलाते हैं। जैसे शादी पड़ती है, जैसे कोई पूजा होता है, या घर में कोई फंक्शन होता है, पूजा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं को बुलाते हैं। और ये पूजा में काफ़ी सारी सामग्री लगी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक मटका है, इसके अंदर छेद किए गए हैं, ये दिए हैं, वो बालू है, बीच का बालू, अपना रेत जिसको बोलते हैं, बीच का दूध, चावल, बहुत सारी सामग्री यहाँ पे लगी है पूजा में, जो कि पंडित जी ने जैसा बोला है वैसा हमने किया है। और मैं अभी एक गुड़ की बेली लाया था, पापा जी वहाँ बैठ के वो गुड़ की बेली को देखो कुछ मिक्स करके उसमें उसको मतलब वो कर रहे हैं। और हमारी माता जी वहाँ बिजी है, पूजा के लिए कुछ बन रहा है वहाँ पे भी, एक ड्रॉप जैसा कुछ है वहाँ पे, उसको खोला जा रहा है। और ये ड्रॉप बाबू के ऊपर भी डाला जा रहा है थोड़ा सा। अच्छा, गंगा जल है वो। आदि अदु इसको आज नींद नहीं आने वाली गर्मी में, क्योंकि फैन है ना बंद है। पापा जी भी हमारे आज ऑफिस नहीं गए, पापा जी ने भी छुट्टी की आज। आदित वो कर रहा है, क्या बोलता आदित? मम्मी ने बनाया हलवा। मेरा छोटा भाई हंस रहा है, दोनों भी हंस रहे। हाँ सही है, उसका थोबड़ा सही। मम्मी देख रहे उसका थोबड़ा, उसको नींद तो नहीं आ रही है। मिठाई आ रही, मिठाई ला यहाँ पे चढ़ाने के लिए। मुझे लगा प्रसाद बर्थडे का, मैं हाथ बढ़ा रहा था मिठाई ला। श्वेता को हंसी आ रही है। आदित आज खेलने के मूड में लग रहा है, नींद नहीं आ रही। टकलो, हाँ पता था आज ब्लॉग बनने वाला है ना, पता था, इसके लिए नहीं सोया। वो शाना है। हाँ नींदिया ले इसको, नहीं नहीं नॉली बस चालू है। पूजा होते होते ना बुल्ला सीख जाएगा आजी। देखो देखो देखो, ओह चालू है उसका। चलो पूजा कंप्लीट हो गया, आदित गया अपने दादी के पास। तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से, हमारे नाना जी लगेंगे, उनसे जानते हैं कि ये पूजा हम क्यों रख रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हमारा धर्म कहता है कि हम धर्म से रहित न हों, पूजा पाठ नियमित करें। ठीक है, हम तो कराते हैं लोगों को। जी बिल्कुल, स्वयं भी करता हूँ। हर हिंदू का काम है पूजा पाठ करना। तो ये मतलब ये बच्चे के लिए किया जा रहा है ना पूजा पाठ? हाँ बच्चे के लिए ग्रह आती हैं, तो बच्चे के लिए आते हैं, बच्चे के लिए ग्रह आती मूल में आते हैं, मूल में मूल। तो बच्चा मतलब जब 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ। अब गर्भ 9 महीने पे भी होता है, 10 महीने पे भी होता है। हाँ। वो तो भगवान के मानेंगे। जी बिल्कुल, तो वो जिस क्षणी जिस घर नक्षत्र जो रहता है उसमें चर नक्षत्र है, शनि नक्षत्र है, मूल है, ज्येष्ठा है, देवती है, ये सब नक्षत्र चर नक्षत्र में होते हैं, तो उनका अलग घटना होती है। मुझे ये जानना है कि जैसे बच्चे का जब बर्थ हुआ था, जब बच्चा पैदा हुआ था, हाँ। तो वो समय ठीक नहीं था इसलिए पूजा रखा जाता है? नहीं, डेट तारीख समय ठीक नहीं, वो ग्रह होते, ग्रह होता है। अच्छा, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार से लेके पूरा एक ग्रह है। हम सोचते हैं आज ये डेट बदल गई, वो हो गया, वो तो अलग है, लेकिन ये ग्रह है। बृहस्पति है, गुरुवार को कोई व्रत रहता है, हाँ, हाँ, कोई शनिवार को रहता है, कोई हनुमान जी के नाम मंगलवार को रहता है। तो ये अगर पूजा नहीं करेंगे तो इससे क्या नुकसान है? नहीं, नुकसान तो होता है, जैसे कि क्या? कुछ
नुकसान तो होता है। जैसे आप बाथरूम के कपड़ों पहनते आपको फीलिंग होता है वही। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा नाना जी से पूरी जानकारी हमने ली। नाना जी एक बार हमें शंख बजा के दिखाएंगे। चलो ठीक है, अधिक जल्दी देखो। ये देख सकते हो यार, ये कितना साल पुराना है नाना जी? ये 20 साल 20 साल हो गया है इसको यार। चलो इसकी आवाज सुनते हैं। क्या आवाज है यार, इसको बोलते हैं ओरिजिनल यार। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बच्चे का जो चेहरा है ना, वो ये तेल में देखो, इसमें चेहरा देखने का, तेल में देखो, दोनों तेल में देखो, ध्यान से तेल में दिखेगा तो बोलना, क्लियर दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अच्छा अभी थोड़ी पूजा बची हुई है, सत्यनारायण की पूजा होने वाली, सत्यनारायण जी की पूजा भी बाकी है, तो वो कम्प्लीट होगी, तो ये फिर से बैठने वाले। सबसे पहले क्या बोलेगा, अरे वाह ये आदित के दादाजी, आदित का नजर उतार रहे हैं। ये जाएगा पंडित जी के पास। भगवान जी के पास चढ़ गया। ये चल रही है सत्यनारायण जी की पूजा, हमारी माता जी पीछे बैठी है हाथ जोड़ के। एक्चुअली जगह है, खेलेगा एक्चुअली भी, देखो जुबान बाहर निकलता है देखो। तो गाइस मुझे मिले 10 रुपए, मम्मी ने बोला कि तुम भी चढ़ा दो, तो मैं भी चढ़ा देता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो इसकी पूरी सामग्री की, एक बोलते ना एक बॉक्स आता है शॉप से, आप खरीद सकते हैं, उसमें लिखा है मूल शांति सामग्री। देखो नीचे लिखा है 27 गांवों के शुद्ध कंकड़, 27 कुआं के शुद्ध जल, 27 पेड़ों के शुद्ध पत्ते एवं छाल, शुद्ध सप्त मृतिका। स्वाहा। अब धुआं देखो कितना होएगा, आग बुझेगी ना और धुआं होएगा। डालो तो पहले स्वाहा, पहले शुद्ध भर भर के धार रही, हवन जल गया एकदम मस्त प्रॉपर। इसकी हालत खराब है, काशी है नीचे मुंडी का। गाइस अभी हो रही है आरती, स्वामी गणतान तारा रू तंजर मैनू तारा।